नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। कमलनाथ को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो आप सुन ही रहे होंगे। जीतू पटवारी को जब पूछा गया इस बारे में तो उनकी तरफ से भी एक प्रतिक्रिया, बीजेपी में जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल निराधार खबर है, कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा सकते हैं। इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कांग्रेस का हाथ कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन नकुलनाथ पर जीतू पटवारी कुछ नहीं बोले। जो खबरें हैं निराधार है, कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जीतू पटवारी का ये कांग्रेस में रहने का कॉन्फिडेंस कमलनाथ को लेकर तो हम देख रहे हैं शैलेंद्र, लेकिन ये कॉन्फिडेंस तब भी दिखाता जब वो कह रहे थे कि 150 से ज्यादा विधायक आएंगे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में। शैलेंद्र देखिए, बिल्कुल अवंतिका आपने ठीक कहा, जिसको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है। कमलनाथ जब मीडिया से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जब जाएंगे तो आपको बता देंगे, उनको इस बात इन अटकलों से विराम देना चाहिए। लेकिन उनके अलावा जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वह दिग्विजय सिंह हो या फिर खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो, वो ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा है वो जा नहीं सकते हैं, उनके नेतृत्व में हमने अभी 2 महीने पहले चुनाव लड़े हैं, उनके मुख्यमंत्री बने रहने के लिए हमने डंडे खाए। ये सारी बातें जो है वो दूसरे नेता तो कर रहे हैं, लेकिन खुद कमलनाथ जब मीडिया के सामने आ रहे हैं तो इन अटकलों को वो विराम नहीं दे रहे हैं, बल्कि लगातार जिस तरीके से जो बयान उनके सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि कुछ अंदर खाने कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। तो ये बताता है कि जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं या जो अटकलों का दौर है या जो मीडिया में चर्चाएं हैं उनको इन सब से बल मिल रहा है। हालांकि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इन सब जो अटकलों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं केवल अफवाहें हैं। लेकिन उसके उलट अगर हम पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सुने तो वो साफ कह रहे हैं कि कमलनाथ जी जहां रहेंगे वहां वह जाएंगे, यदि वह पार्टी छोड़ते हैं तो उनको भी पार्टी छोड़नी पड़ेगी, ये साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो विरोधाभास जो है वो कांग्रेस के नेताओं के बयानों में लगातार देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से भी इन अटकलों पर कोई विराम नहीं दिया जा रहा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या तमाम जो दूसरे अन्य नेता हैं, सभी ये कह रहे हैं कि यदि कमलनाथ जी बीजेपी में आना चाहते हैं तो उन सबका स्वागत है। जो जो लोग भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं, जो राम भक्त हैं, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित हैं, उन सबका जो है वो बीजेपी में स्वागत है, इस तरह की बात जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो भले ही कांग्रेस के नेता कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, लेकिन जिस तरीके से दौरा अधूरा छोड़कर कमलनाथ पहले भोपाल पहुंचते हैं उसके बाद छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, खबरें इस बात की भी है क्या कि 19 फरवरी से पहले कमलनाथ की मुलाकात हो सकती है किसी बीजेपी नेता से? बिल्कुल निश्चित तौर पर माना यही जा रहा है कि आज या कल में जो है बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और 19 तारीख जो है वो बताया जा रहा है कि उस दिन वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेजी से चल रही हैं और जिस तरीके से अब वो दिल्ली आवास में पहुंचने के बाद कुछ देर बाद ही वो अपने घर से निकल गए, अब कहां मुलाकात करने गए हैं, कुछ जानकार ये भी बता रहे हैं कि शायद वो अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी को सौंपने गए हैं, उसके बाद जो है वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो अभी
हालांकि सब ये जो है अटकलें हैं, केवल चर्चाएं हैं, इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी किसी तरह की नहीं है। हालांकि माना यही जा रहा है कि चूंकि आज वो दौरा अधूरा छोड़कर जब दिल्ली पहुंचे हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में बीजेपी का हो रहा है, तमाम जो बड़े नेता है वो दिल्ली में मौजूद है, तो इस दौरान बीजेपी के जो बड़े नेता है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और कयास ये भी है कि आज वह कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनसे मुलाकात करके अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। और 19 तारीख जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि 19 तारीख को वह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखने वाली बात शैलेंद्र के आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और जिस तरह से शैलेंद्र भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, सज्जन सिंह वर्मा उनकी तरफ से कई स्पष्ट शब्द मीडिया के सामने रखे गए। उन्होंने कहा है कि जहां कमलनाथ वहां हम, सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से बयान आते हैं, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा होगा। कमलनाथ के साथ मुझे भी जाना पड़ेगा, कह तो रहे हैं सुख दुख के साथी हैं, राजनीति में सम्मान भी जरूरी है, इस वाक्य का भी जिक्र। क्या कुछ कहा है न्यूज 18 से खास बातचीत में कमलनाथ ने, सीधे सुना। पहले तो आप ये बताएं भैया, क्या वजह है डीपी क्यों हटाई गई? अब अटकलों का दौर जारी है। देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मेरा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन अधिकतर कमलनाथ जी के साथ बीता है। 40 वर्षों से मैं राजनीतिक रूप से कमलनाथ जी के साथ संबद्ध हूँ और मैंने कांग्रेस के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने और मैंने काम किया है। यदि मैं जिसे नेता मानता हूँ उसकी प्रोफाइल से कोई चिन्ह हटता है तो प्रतीकात्मक रूप से मैंने भी उसे हटा लिया। कोई कुछ देर पहले कहा कि जब मान सम्मान स्वाभिमान की बात होती है तो कहीं ना कहीं से कुछ दिशाएं बदल। देखिए, किसी आपके पत्रकार साथी ने मुझसे कोई प्रश्न किया कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, मैंने देखिए एक सूत्र वाक्य भारत के सारे राजनेताओं के लिए है, मान सम्मान और स्वाभिमान, इन चीज़ों के लिए ही।